घने मानस तो डायरी में दूध बेच कावे हर पौवा का डगाव है अपने बड़का का खून पीवे लोग। कई आदमी मन कह बोले ईश्वर पी तो लिया ठे काली तड़के उठा हाँ सर पकड़े मां पैर कौन सी बोचे हर सारी ये सर पकड़े हैं। एक महाराज भाई पीवे था मां छोड़ दे दारू बोला छोड़ दूंगा तीन बात मान लियो तीन शर्त मान लियो मैं छोड़ दूंगा मां तीन के तेरी 35 मानना में तू दारू छोड़ दे। ने बोला ना तीन बात मान लियो मां बता तेरी के शर्त है बोला पहली शर्त मेरी यह है मैं तीज त्योहार न दारू पीऊंगा उससे पहला नहीं पीऊंगा मां दो तीन चार महीने का पहला तीज त्योहार नहीं आंदा डूब लिए पी लिए। बोला दूसरी बताओ मां बता बोला ब्याह आने में भी पीऊंगा शादी आएगी छोरी की हो से छोरे की दारू पीऊंगा मां पी लिए बड़का के ब्याह होंगे ही नहीं मां दो साल तक पहला शादी नहीं आंदी है डूब लिए तू। बोला तीसरी बताऊ मां बता बोले जुई मरा जी करेगा जुई भी पीऊंगा तो वह लोगों इससे बचो के नाम से सेठ को आ गया जाट होते हुए भी सेठ सज्जू राम अलकपुरिया। और ये भाई प्रधान जी ने काफी मान सम्मान पहले किया 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद। ये हमारे हरियाणा प्रदेश ने हिंदुस्तान के बहुत अच्छे हमारे उस्ताद लोग अशोक जी जो पता नहीं किन किन चीजों से सम्मानित किया गया है जहाज देनी है भी आए थे फिर चलाना कोई नहीं आया भाई। एक बार मास्टर जी 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं जोरदार ताड़ी बजाओ साथियों जोरदार ताड़ी। देखिए ये कलाकारी है आसना और असाना भी एक कला है दान देना भी एक बड़ी बात है साथियों। आसना चाहिए सुतरे सुतरे मुंह रखने चाहिए मानस ने एक आधा मानस का मुंह है कोई नहीं सुतरा ना उसना सिया हुआ कई आदमियों के मुंह परमात्मा इसे बनाए दे जो बासड़ी थी पछले जन्म में। और भी सबसे बड़ा धाम सबसे बड़ी तीर्थ सबसे बड़ा पूजनीय जगह या तो माँ बाप की सेवा है और ये गौ माता की सेवा इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है कोई सेवा नहीं है कोई धाम नहीं है। लेकिन अब जैसे हमारी भाई लेडीज कलाकार ने कहा जमाना बदल गया अब माँ बाप की कदर नहीं है मानस सस्ते है गए पशु महंगे हो गए। सिंगवा मदन हेरी में 27 लाख की झोटी बिकी सुखवीर डांडा लतियाणी वाले की 51 लाख की झोटी बिकी। आप फोन पर टेलीविजन पर देखो 1 करोड़ का 2 करोड़ के आज तो कई कई लाख के कुत्ते भी हैं भाई मानस सस्ते हैं। पानीपत वाली रेल में चढ़ गए शहर तय 30-32 हजार की बहु कुइयां ले आओ दांत लगनी देखने मानस की कदर नहीं रही। कदर किसकी है या तो दूध देने वाली भैंस की और या नई बहु की। गौ माता ने सुनी छोड़े हैं लोग दूध पी गए साथियों जिसने माँ का दर्जा है जिसने अपने मुंह से माँ कहा और माँ गाड़ा मांड है पापड़ पाते खाती काटड़न कोई नहीं सुनना छोड़ता तो बीच में मुतर है कि काटड़न कोई सुनना छोड़ा है माँ ने सुनी छोड़ा। और जिस टाइम यो मानस जिस टाइम यो इंसान चला जावे है उसकी बाद में बिडियाई करे है जीते जी की सेवा नहीं है। जिस टाइम वो मरा फिर कुणबा इकट्ठा होकर निकलेगा भाई इसका काज करांगे फिर जो कहेंगे इसकी छाती पे गऊ का घी गेड़ दो महा चौंटनी का गेड़ दे जाए लिया ईव कोई फायदा नहीं घी गेड़ने का। देखिए सबसे बड़ा दर्जा किसका है बोल न्यो नहीं एक जो ये आज कल के गाने बाजे हैं डीजे पे ये गाने नहीं बाजे तेरी कोठी चंडीगढ़ शहर में बनवा दू डीजे पे सारा कुणबा नाचे है दादा भी दादी भी पोता भी पोती भी
सारा परिवार नाचा है त्रिकोठी चंडीगढ़ शहर में बनवाई दू। उस थोड़ा नाचा डीजे पे उसका ताऊ भाप पकड़ गया उसकी निवेदन को खड़ी का ढारा एक लाए थे ने मरा जड़ी आई घरा तो तीन जगह था मुड़िया सुपेदा चढ़ा रहा है। एक और गाना बाजा एक तने सोने में पीली बनवाई दू सुनिया होगा एक तने सोने में पीली बनवाई दू। उसकी माँ ने बोली अरे लैटरिन में तो डिब्बा भी कौन था खड़ी मार दो वहां तो साथियों ये गाने नहीं है गाने के बोल सुनियो अमल करियो नजा और गौर करियो क्या कहा भाई मात पिता के मरे वे आंसू टपका के हो आज जीते जीते जूते मारे फूल सगा के हो मरे बाप आंसू टपका के होगा जीके जी दुखे मारे फिर फूल सगा के हो बाप पिता के मरे बाप आंसू टपका के होगा जीके जी दुखे मारे फिर फूल ठीक नहीं कहना मन नहीं कदे शीश जो खाना ठीक नहीं रखा सदा अंधेरे में दीप जलाना ठीक नहीं भाई नाच चढ़ा के रोटी देवे फिर सिंड बढ़ाना ठीक नहीं नाच चढ़ा के रोटी देवे सिंड बढ़ाना ठीक बोल सदा कड़ुए बोले बोल सदा फिर श्राद्ध कढ़ा के होगा जूते जीता जूते मारे के होगा बात पिता के मरे बाप आंसू टपका के होगा जूते जीता जूते मारे फिर बात कितनी बड़ी कोठी हो कितना बड़ा मकान हो आथड़ा गंडासन और बूढ़ा बूढ़ी की खाट में भीड़ पावेगी उनकी खाट बूढ़ा की बूढ़ी की खाट तूड़ा में पावेगी तूड़ा समझदार रहेगा और खाट भीतर न जाती रहेगी क्यों। अरे जिसने जन्म दिया पहले अपने उससे पढ़ाया लिखाया नाम दरिया चालन सिखाया खान सिखाया स्कूल में नाम लिखाया खुद अपने माँ बाप ने बूढ़े न्यू बालक न्यू कह तेरा के हड़े अरे तू किता आया था बूढ़े की खाट बुढ़िया खाट वड़े जड़े 70,000 मच्छर तू मालगण ने कोई आला नहीं कोई रोशनदान नहीं कोई पंखा नहीं कोई ट्यूब नहीं टूटी कटोली पैटे है बिस्तर रिजाई में काम सा लिखड़ रहा लोकड़ कूड़ा में लग रहा बुढ़िया और बूढ़ा छाती में गोडे लागे जाडे में कौन 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 जन पुराणी में कुत्ती बेहरी है और बहू पे दो पंखे चल रहे छोरा दारू पी के पैंथे ने बहू श्रिया ने जन घोड़ी घोड़ी दाने मांग रहे उनका भला नहीं होगा कितना है बड़ा मानस हो कितनी है बड़ी बीमारी हो छोरा खड़े होते पोता खड़े होते बालक खड़े बाबू तेरे पैर दाब दिया तेरे सर बोझ दिया तने डॉक्टर के लेके चलना आधी बीमारी कट चलो को आधी बीमारी कट से
आरजे भाई मेरा पर के साहब से आयसल में तो बूढ़ा करा हुआ है कोई आते तो ये जदे मेरे लिए जद इनकी बुढ़िया मिर्गी आते मेरे लिए जद के आ एक बूढ़े की बुढ़िया 85-90 साल का बूढ़ा और उसकी बुढ़िया टुलकी दान संस्कार करके आए कुणबा बैठा भाई सारा बैठा होके पीवे और किसे भाई की बहू गई तो थी विदेश में वह विदेश में पहुंचा पाछा अपने पति देव तक कह थी मैं ठीक ठाक पहुंच गई वो एक नंबर गलत लाग के और जिस बूढ़े की बुढ़िया मर रही थी उसके पास में जाए मिले वो फोन उस बूढ़े ने खड़ पे बैठा डरता डरता ने तो फोन उठाया सहज सहज बोलने का हेलो हेलो वह बुढ़िया समझ गया बूढ़ा आगे तो आवाज आई मैं ठीक ठाक पहुंच गई और कई दिन नीलांदी हूं दो तीन दिन मैं तन्ने भी ले जाऊंगी और बूढ़ा में तो कहेगी भी घूंट कौन लग गए अड़ोसी पड़ोसी कहे आक मार ले तो कहीं घूंट भी लेना दो ही तीन दिन के हाँ जाना जाना पड़ेगा यानी डर क्या बूढ़ा टुल गया दो तीन दिन पाछे दान संस्कार करके आए ओड़े गांव का स्कूल ओड़े गांव की चैनी छड़े बाढ़ का गला सारा धुमा स्कूल में जावे बच्चे लागे कहन मास्टर जी सारा धुमा स्कूल में आवे आंखा में चिमराट हो गया आंख दुखन लायक सिर में चक्कर हो गया बालक बीमार पड़ेंगे स्कूल के स्कूल की छुट्टी कर दो मास्टर जी ने स्कूल की छुट्टी कर दी बालक आवे गाला में रुके मारे छुट्टी 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 अगले दिन गए स्कूल में एक 90 साल का हो टुलक गया बालक लागे कहन मास्टर जी कल वाला काम आज भी हो गया आज भी स्कूल की छुट्टी कर दे प्रिंसिपल साहब पुनिया साहब ने देखा भाई बीमार पड़ेंगे बच्चे स्कूल के अगले दिन फिर स्कूल की छुट्टी कर दी आवे बालक गलिया में रुके मारे छुट्टी छुट्टी हो छुट्टी और तो 95-95 साल के बूढ़े खाट में बैठे हो कापी हुए और वह बालक उन बूढ़े अंगने लखा के निको वह सोनू दो छुट्टी है बैठी छुट्टी सबकी होनी है साथ में कुछ नहीं चलता अच्छाई और बुराई ये दान ये नाम ये काम साथ में चलता कर्म साथियों जो आप यहां दे रहे हो अरे ये तो गौओं का भाग है यहां देने से धन नहीं घटेगा एक खाना आप उठे हुआ जाए 2000 की दारू पी जा रिजाई में मुझ के जाओ उस्ताद सा तो भाई अरे दे दियो यहां दिया फलेगा देखिए बाद में उसका फोटो ले आवेंगे बनवा के बूढ़ा का अख्तियार भाई चार का बना दे बैठक में लावेंगे धोवेंगे भूंजेंगे जोत लावेंगे फूल चढ़ावेंगे के क्या करेंगे मरे बाद क्या कहा अरे पिछड़े बात बड़ियाई करते बेटे पोते देख लिए पितरा खातर गंगा जी में लाते गोते देख लिए लगी हुई कमरिया में फटू मन मन धोते देख लिए कर क्या लाड याद बचपन के पाछे रोते देख लिए कर क्या लाड याद बचपन के पाछे रोते देख लिए अरे वस्त्र बिनते मरे जड़ाए वस्त्र बिंद है मरे जड़ाए फिर साल उठाए कैके होगा जूते गिरा जूते मारे भूल चढ़ा कैके होगा बाप पिता के मरे बाद आंसू टपका कैके होगा जूते गिरा जूते मारे भूल चढ़ा ऐ मेरे साथिया तू कोई Yeah.
बुराई करे उस मानस की जिस टाइम वो हाथा में चला जावे, जो कहेंगे ईसा पंचायती था, ईसा दानी था, ईसा समाज सेवक था, ईसा भागाड़ा मानस था। हर जिस टाइम वो जीवे है उसकी कोई कदर नहीं साथियों। फिर नु कहेंगे लिख दे मेरा बापू का नाम था, मंदिर में पत्थर ला दे, गौशाला में मेरा दादा का नाम तो ले दे, लगाई लू कहेंगी धारीवाल की चादर ढहकाई, महाजा बड़ा दाला झूल डाय ले इसने जा लिया, यू कुछ नहीं फायदा। के गए हैं बाद में क्या लिखा, अरे काटे दोस्त सदा जिनके पाछेत गुण गावे से, दुखी करे जिंदगी भरे मंदिर में पत्थर लावे से, घूर घूर के देखिए फूट ध्यान लगावे से, भाई सदाई थाली पगड़ी रे पगड़ी की रस्म गवावे, सदाई थाली अरे दुख में नहीं करी करे सेवा, दुख में करी नहीं करे सेवा, फिर पेवा जा के होगा जीते जीते जूते मारे फूल पुनिया साहब। जितने ये गौओं का निमित्त देखे गए वैसे तो उनका हाथ जोड़ के धन्यवाद है, फिर गणिए को से इनका झूठी सगाई कर कह रहे हैं भाई, किसे ने भी न्यू नहीं कहा अगले भाई, अग तो हमने पहला ही सलाह कर ली वह उनते तो देने नहीं, नेम खुआ के ले रहे हो इनने तो, ये भी गौवाएं मर गए हैं न्यू समझ लियो, दो बासड़ी और फालतू थी गौशाला, बाद में इनके भी तो बालक बच्चे, ये भी तो गरीब मजदूर आदमी है। अच्छा पुनिया साहब सारा कुंब गले सलाह करके दे, इजाजत किसकी, दान में मान सम्मान में क्या इजाजत है। ये भाई हमारे स्टेट सेक्रेटरी और हमारा पुनिया का भाई, भाईचारा भी है मेरे गांव में भी, पुनिया भाई है, 100-100 रुपए से आदरणीय गुरु जी मान सम्मान करते हैं, और ये भाई प्रधान जी 100 रुपए से ये भी मान सम्मान हौसला बुलाई करते हैं, अग्नि प्रेमी का आभार बात धन्यवाद ऐसे। भाई जीते जी कर लियो सेवा रे जीते जी, तम कर लियो सेवा, अच्छी किस्मत थारी से आशीर्वाद मिले मात पिता का बेटा अग्यारह कारी से, अपनी संतान बताना किसमें लाकर प्यारी से, सदा नहीं कोई अमर जगत में एक दिन सब की बारी से, सदा नहीं कोई अमर जगत में एक दिन सब की बारी से, ज्ञानी राम दो अर्थी कह दे, ज्ञानी राम दो अर्थी कह दे, फिर ढोल बजा के होगा जीते जीते जूते मारे फूल कटा के।